राकेश जी, क्या कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका अति सरलीकरण करने की कोशिश की जाती है पूरी समस्या को लेकर? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर के बारे में लोगों की अपनी अपनी राय है और हर आदमी अपनी उसी राय से, हिसाब से, उसी चश्मे से कश्मीर को देखने की कोशिश करता है। अब जैसे हमारी बहन वहां कह रही थी कि सेक्शन 35 जो है वो किसी हाईकोर्ट के डिसीजन से हटा दिया गया था। एक वकील होने के बावजूद भी मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि सेक्शन 35 को भी वहां हटाया गया था। और जहां तक भारत के संविधान की बात है, सेक्शन 35 जैसा, उसमें जो भी प्रयोग, जो भी चीजें, उस प्रोविजन थे, वो असंभव है। भारत के संविधान में उस तरह के सेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना ऐसा होना चाहिए था। उसमें इतनी ज्यादा विषमताएं थी जिस पर मैं 1 घंटा अलग से बोल सकता हूँ। वो हट गया, अच्छी बात है। आर्टिकल 370 हट गया, मानते हैं, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि वो टेम्पररी आर्टिकल था, लोग कहते हैं। लेकिन आर्टिकल 370 के पक्ष ना पक्ष होने की बात नहीं है, वो मैं भी समझता हूँ कि चलिए आर्टिकल 370 हट गया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? क्या उसके बाद क्या आवश्यक था कि उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए? क्या उसके बाद आवश्यक था कि उसका डिलिमिटेशन किया जाए? क्या उसके बाद ये आवश्यक था कि वहां चुनाव ना हो? क्या उसके आवश्यक था कि चुनाव इसलिए ना हो कि चूंकि चुनाव होने के बाद वहां पर दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी, उसके साथ आप काम नहीं कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी चीज व्यवस्था में कंट्रोल करनी है तो वहां हम सरकार ही नहीं बनने दें। बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे उर्मिले जी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान कमजोर हो गया। पाकिस्तान का आर्थिक ढांचा कमजोर हुआ है, उसकी मिलिट्री कमजोर नहीं हुई है। और जहां तक कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने की बात है, वो वहां के पाकिस्तान की आर्मी आईसीआई करती है, वो कभी कमजोर नहीं होती है। वो हमेशा से उतनी ताकतवर होती है, उसके पास उतने धन होते हैं, उनके पास संसाधन होते हैं। तो पाकिस्तान में अगर महंगाई है, भुखमरी है, तो उससे उसकी आर्मी वीक नहीं हुई है। तो ये बात भी गलत है कि अभी जो हो रहा होम ग्रोन टेररिज्म है, होम ग्रोन टेररिज्म का एक लिमिटेशन होता है। आप अगर इस सिक्योरिटी के फील्ड में है तो आपको पता होना चाहिए कि होम ग्रोन टेररिज्म को उगाया जाता है, लेकिन वो हमेशा वो सपोर्टेड एडेड बाय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से होता है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक एक राय है, एक प्रिज्म है, उसी से वो देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है 370 हट गया, चलिए अच्छी बात है, उसके बाद हमने गलतियां की है, इतनी ज्यादा गलतियां की, समझते हैं कि अमित शाह अपने दिल्ली से बैठ के कर लेंगे। और रही बात की कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित के एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे कश्मीरी पंडित के मित्र यहाँ बैठे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, उसने एक पीआईएल दाखिल की है। उस पीआईएल के दाखिल में उन्होंने लिखा है कि 20 साल के पहले जो प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन था वो सही चल रहा था, उसके पारा 3 में लिखा हुआ है। मैंने अभी डाउनलोड किया, आज ही वो पीआईएल जेएनके के हाईकोर्ट में दायर किया गया है। तो एक वो भी पक्ष है जिसमें कश्मीरी पंडित खुद समझ रहे हैं कि उनका रिहेबिलिटेशन 2010 में जो कांग्रेस की शासन में अच्छे से हो रहा था, और ये 2020 में, बट इन द ईयर 2020 ए न्यू स्प्री ऑफ टारगेट किलिंग से स्टार्टेड एंड द फियर हैज इंक्रीज मेनली फॉर मेनी फोल्ड्स अमंग द मेंबर्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। उसमें मैं अंग्रेजी में ज्यादा नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो ये पूरा लब्बो लुआब ये है कि कश्मीरी पंडितों के बीच में भी जो कि संघी और भाजपा के समर्थक नहीं है, न्यूट्रल है, वो भी ये मानते हैं कि 2010 में जो रिहेबिलिटेशन हो रहा था वो बेहतर था और आज वैसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको अपने प्रिज्म से मत देखिए, समस्याएं बहुत बड़ी हैं, उसमें हर तरह का उसमें सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हम एक कम्युनिस्ट लाइन ले लें, एक हम रिलीजियस लाइन ले लें, एक आरएसएस की लाइन ले लें, एक कांग्रेस की लाइन ले लें, वैसे नहीं है। इसमें आतंकवाद को बाहर से समर्थन भी है, हमारी गलतियां भी है, मुस्लिम मेजोरिटी है वो भी एक वहां कारण है, टारगेटेड किलिंग हो रही है, सारी बातें सच सच है, थोड़ी थोड़ी है, कोई बिल्कुल इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते, समस्या है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।